पैसे कितने बोलने? ये हम तो बिल्कुल देने के मूड में आए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज्यादा हैप्पी वाली नहीं है, डाउन वाली है। क्योंकि एक टाइम होता है जब हमारी बाइक आती है तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है, और एक टाइम होता है जब हमें बाइक सेल करनी पड़ती है। तो आज वो वाली एनर्जी है, मतलब मेरा मन नहीं है बिल्कुल मैं अपने इस प्यारी अपनी फेवरेट R15 को सेल करूं, लेकिन टाइम के साथ अपग्रेड करना ज़रूरी होता है और मैंने नहीं करा था, तो उस वजह से मुझे बहुत सारा डाउनफॉल भी नज़र आया अपने चैनल में। बट अभी कुछ आगे के प्लान्स हैं, चलो मैं आपको सब ओपन कर देता हूँ। मैं प्लान कर रहा हूँ या तो ड्यूक 390 2024 जो मॉडल आया ना V3, वो परचेस करने का, या फिर Z900 कावासाकी की सुपर बाइक परचेस करने का। तो आप लोग ये भी कमेंट करके बता दो, दोनों में से कौन सी बाइक लूँ इसी वीडियो में बता देना, क्योंकि बहुत जल्दी मैं लेने वाला हूँ। हो सकता है एक आध दिन में, दो दिन में भी बाइक आ जाए। दोनों की मैं टेस्ट राइड लेने जाने वाला हूँ, जो समझ आएगी वो लूंगा। हाँ, एक नॉर्मल बाइक है, एक सुपर बाइक है। आप कहोगे ये कैसा कंपैरिजन है, बट मैं कुछ सोच कर ही चल रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो बट अभी जो है फिलहाल R15 को लेकर चल रहे हैं सेल करने के लिए। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ लास्ट टाइम अपनी R15 V3, ये देख लो भाई। इस बाइक ने, सच बता रहा हूँ, जो दिल जीता है, जो साथ दिया लाइफ के अंदर यार, वो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स है वो लोग जानते हैं मैं इस बाइक से कितना प्यार करता हूँ यार, लेकिन क्या कर सकते हैं, टाइम के हिसाब से सारा चेंज उसमें आता है, और वो ही चेंज आ रहा है कि मतलब कुछ अपग्रेड ही कर रहा हूँ। मेरा मन था मैं इसको सेल ना करूँ और दूसरी बाइक ले लूँ, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा, तो इसलिए सेल कर कर लेंगे। चलो फिलहाल अभी चलते हैं, और एक बार अच्छे से आप वॉक अराउंड ले लो, बाइक के लुक देख लो, फिर ये हो सकता है आज इसकी लास्ट राइड होगी। कहीं से देखो बाइक पुरानी नहीं लगती और बिल्कुल न्यू कंडीशन है भाई। वैसे ज़्यादातर मैं अपना कैमरा रोड से ऑन करता हूँ, बट आज मैंने यहीं गलियों से ही ऑन कर लिया है, क्योंकि अपनी लास्ट राइड है ना यार, तो मैं कुछ भी इसमें मिस नहीं करना चाहता। मेरे साथ साथ बहुत सारे लोगों को बुरा लग रहा होगा ये सुनकर, बट यार क्या कर सकते हैं भाई। जो भी है, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं मेरी इस बाइक के साथ। आप लोग जानते हो मेरे चैनल की स्टार्टिंग भी इस बाइक से ही थी, मतलब आई थिंक 3rd या 4th वीडियो से इस बाइक ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे चैनल को ग्रो करने में, आप लोगों का प्यार जीतने में। और अगर मेरे पास पार्किंग की प्रॉब्लम ना होती और कुछ आगे के अच्छे प्लान्स ना होते, तो मैं इस बाइक को बिल्कुल सेल ना करता। और आपको पता है कितनी बार ये बाइक जाते जाते वापस हो गई, मतलब मैंने इसको वॉश कराया, सेल करने गया और मन नहीं माना, या कई बार लगा लो कुछ हुआ, कई बार कुछ हुआ, कई बार बात नहीं बनी और बाइक घर वापस आ जाती है। मतलब आज का भी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन थोड़ी उम्मीद लग रही है कि हाँ आज बाइक सेल हो ही जाएगी, क्योंकि स्पेशली पापा भी साथ जा रहे हैं कि भाई देख कर ही आनी है अब, क्योंकि तू अकेला जाता है बाइक वापसी ले आता है, अब से इसको कोई और चलाएगा। और मैं तो ये चाहता हूँ जिस भी हाथ में जाए बाइक अच्छे तरीके रहे, बिकॉज बहुत 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 अच्छी और लकी बाइक है ये मेरे लिए। 155cc में बीस चाहिए, मतलब मैं सही बताऊँ तो 155cc में आज तक किसी भी कंपनी ने अभी तक ऐसी लुक नहीं दी यार, जो आज भी V3 की लुक है ना। अरे भाई कितना लोड है यार इनके रिक्शे पर। चलो भाई, थैंक गॉड हेल्प मिल गई उन्हें। मैं यहाँ से बाइक छोड़ नहीं सकता था क्योंकि ट्रैफिक में हूँ। हाँ, तो मैं कह रहा था मतलब 155cc सेगमेंट की लगता नहीं है, अगर इसको 350 में भी सेम लुक दी होती ना तो भी ये बाइक तबाही मचाती, और इसने 155cc होते हुए इतना दिल जीता है लोगों का। VVA टेक्नोलॉजी के साथ ये लॉन्च हुई थी, मतलब क्या ही यार, मैं क्या ही बताऊँ। अभी भी मेरा मन नहीं मान रहा कि ये बाइक जाए कहीं पर, अभी भी मेरा मन यही है कि बस ये वापसी जाए अपने घर। इस बाइक से मेरी अच्छी यादें तो बहुत सारी है, बट कुछ ऐसा भी एक्सपीरियंस था जो आप लोग जानते हो, जब मेरा एक्सीडेंट हो गया था R15 V3 पर ही, तो कितनी मुश्किल से भाई मैं बचा था। लेकिन चलो वही है ना, अच्छा बुरा तो सब लगा रहता है, बट बाइक की उसमें कोई गलती नहीं है, बाइक ने तो बहुत साथ दिया भाई मेरा, आज तक बहुत साथ दिया, और आज तक कहीं धोखा नहीं दिया यार इसने कि मैं किसी राइड पर हूँ और वहीं फंस गया हूँ बाइक के कारण, ऐसा आज तक नहीं हुआ। और अभी भी देखो, ये मेरा ना फर्स्ट व्लॉग भी है, मैं आपको बताऊँ ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है इस बाइक पे GoPro से। मुझे, मैंने ना एंगल चेक करा है, ना मैंने कुछ साउंड चेक करा है, बस मैं व्लॉग बना रहा हूँ, और मुझे ये लग रहा है कि इसके अंदर एंगल ना इस बाइक का बहुत अच्छा आ रहा होगा, जबकि सारे माउंट हिमालयन के अकॉर्डिंग सेट है इस पर, फिर भी मुझे लग रहा है कि अच्छा आ रहा होगा, क्योंकि बाइक की लुक ही ऐसी है। अब जितनी भी तारीफ करूँ ना कमी है भाई। बस ये चेक कर लो यार, वीडियो बन रही है ना? हाँ बिल्कुल बन रही है भाई, क्या एंगल आ रहा है यार इस बाइक को लेकर, माई गॉड।
मेरा हिमालयन पे आज तक ऐसा एंगल नहीं आया यार। मैंने सुपर व्यू में कर रखा है, आई थिंक सुपर वाइड में कैमरा, और क्या भाई दिखा रहा है यार ये व्यू। बाकी एडिटिंग में पता चलेगा, हैंडल तक भी इसके अंदर कंप्लीट आ रहा है और सामने रोड भी। भाई थोड़ा सा बाइक को भगा लूँ यार, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। पिकअप भी ज़बरदस्त है यार, ज़बरदस्त। मैंने अपनी किसी वीडियो में आज तक इस बाइक की बुराई नहीं करी, क्योंकि कुछ है ही नहीं ऐसा यार। मतलब कुछ भी मैं कहूँ ना, कुछ भी मेरे को डाउन साइड लग रही हो ना, इसकी कुछ भी नहीं है। कई लोगों के हाथ में इतना पेन होता था स्टार्टिंग में, और ये बैक पेन हो जाता था, मेरे को तो भाई आज तक कुछ ऐसा फील ही नहीं हुआ इसके अंदर, कुछ भी नहीं। वो भी इसको देखेगा ना, देखो बाइक में एक भी कमी नहीं है, पसंद तो आ ही जाएगी। बस प्राइस की बात है, प्राइस हमें समझ आना चाहिए तो सब ठीक है। माइलेज तक इतनी अच्छी देती है ना ये, 45 प्लस माइलेज देती है R15। आज के टाइम में कोई भी बाइक ले लो भाई, 30-35 से ऊपर नहीं जाती माइलेज। भाई करोल बाग तो हम पहुंच गए, इतना ट्रैफिक इतना जाम था ना, पहले बाइक दिखा देते हैं, शाम हो जाएगी फिर डील रह जाएगी। दिखा दो बाइक, दिखानी थी R15। लाल वाली ये? हाँ, 2018 है, मई जून की है। बता दो, मैं तो आया ही हूँ अभी बस लेके भाई। नहीं नहीं कुछ है ऊपर तो देख लो, नहीं तो ₹7,967 चलिए। पैसे कितने बोलने भैया? हम तो बिल्कुल देने के मूड में आए हैं, फाइनली यस नो 1,00,000 रुपए में। ये नहीं कि हम बार्गेनिंग वाला टाइम खराब करें। पैसे रख लिए, गिन लिए थे ना। तो फाइनली आज ये वाली बाइक तो गई, और कुछ कर नहीं सकते इसके अंदर, लेकिन अब कुछ नया लेकर आते हैं। आप लोग कमेंट कर दो ड्यूक 390 या फिर Z900। मेरा मन तो वैसे फेयरिंग सुपर बाइक है, मतलब समझ रहे हो ना, बॉडी होती है थोड़ी बाइक में, जैसे 10 आ रहा है, बूसा है, ड्रीम बाइक तो मेरी बूसा ही थी, लेकिन वो बजट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो इसलिए नेकेड बाइक पे जाना पड़ेगा। मेरा मन नहीं है सच बता रहा हूँ नेकेड बाइक्स का। आपने देखा होगा R15 V3 भी इसलिए ली थी क्योंकि मुझे फेयरिंग वाली बाइक पसंद है, और ये तो बहुत बढ़िया रही थी। अभी भी मन है, अगर आप इसी बजट में कुछ और सजेस्ट कर सकते हो फेयरिंग वाली बाइक तो वो भी कमेंट कर देना। बाकी Z900 और ड्यूक 390 में से बता देना, जिन लोगों के पास फेयरिंग का ऑप्शन हो उसी बजट में वो लोग भी कमेंट कर देना। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी होगी ये बात सुनकर कि आप कुछ नया लेना है, पुरानी वाली सेल का सुन के तो अच्छा नहीं लगा होगा, लेकिन कुछ नया आ ही रहा है, चलो ये अच्छी बात है। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए नमस्ते, सत श्री अकाल।